और फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगा जगदलपुर का प्रशांत गजबीय वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता। प्रशांत, किस घाट पर आप मौजूद हैं, क्या रौनक आप देख रहे हैं वहां पर आज चौथे दिन छठ महापर्व की? जी बिल्कुल सुमित, जगदलपुर में भी छठ पूजा की रौनक आप देख सकते हैं। मेरे चारों तरफ आप नज़ारे देख सकते हैं किस तरीके से आज जो है यहाँ पे गंगा मुंडा जो तालाब है, यहाँ पे जो छठ का जो घाट है वहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और अपने जो व्रत रखा हुआ है महिलाओं ने उस व्रत को तोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना काल जरूर है लेकिन कोरोना पे कहीं ना कहीं आस्था जो है वो बिल्कुल भारी है और लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज जो है उगते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। यहाँ पे काफी महिलाएं हैं जो आप देख सकते हैं कि छठी मैया की पूजा कर रही हैं। कुछ लोग घाट पे हैं, कुछ लोग घाट के ऊपर हैं, जो लोग जो अपने व्रत को तोड़ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं कि आपने व्रत रखा हुआ था और किस तरीके से पूजा अर्चना की है और क्या कुछ मांगा है छठी मैया से? हाँ, मांगे हैं सब खुशहाल मांगा रहे, सब अच्छे से रहे, सब अच्छे से हो जाए, ऐसा जो है महामारी से सब बचे। कोरोना संकट काल है, क्या मांगा है माता से कि कोरोना को किस तरीके से भगाए? भगवान के आराधना करके सब मिलके भगाए। तो देखिए कि कोरोना को छठी माता से मांगा जा रहा है कि कोरोना को यहाँ से भगाया जाए और कोरोना कहीं ना कहीं जो है कहा जा रहा था कि छठ पर जो है भारी पड़ सकता है लेकिन किसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा माहौल है कि लोग यहाँ पे लगातार पहुँचते जा रहे हैं। और आप इस ओर देख सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और एक अपने परिवार के साथ साथ जो महिलाएँ हैं अपने पूजा अर्चना कर रही है। कुछ महिलाएं से बातचीत करते हैं कि आंटी बताएंगे कि आज जो है छठ की पूजा आप लोगों ने की है, किस तरीके से पूजा अर्चना की? बताइए बताइए ना, महत्वपूर्ण है हमारा, हम लोग का महाभारत पर्व यही है छठ पर्व। हाँ, महत्वपूर्ण है ये, इससे भारी पर्व कोई नहीं है। क्या कुछ मांगा है माता से और किस तरीके से पूजा अर्चना पूरी की है? जो मानते हैं वो पूरा होता है, छठी माता से जो मानता मांगते हैं ना वो श्रद्धा से जरूर पूरा होते हैं। क्या कुछ मान्यता है इस पूजा की? क्या किस भारी मानता है, भारी मानता है, यहाँ पूरा विश्व के लिए सब कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि नहीं, देखते देखते महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची है महिलाएं वो लगातार जो है अपना जो महिलाएं हैं वो व्रत तोड़ रही हैं और पूरा घाट जो है वो भरा हुआ है। और कोरोना को देखते हुए हालांकि अलग अलग घाट बनाए गए हैं यहां पर और लोगों को भी ये समझाइश दी गई है कि कि सामाजिक दूरियाँ बनाकर रखें ताकि किसी प्रकार से कोरोना ना फैले। और यहाँ पर लोग लगातार घाट पर पहुँच रहे हैं और जो उगते सूरज का जो है आज अर्घ दिया गया है और आज से समापन जो है छठ पूजा की गई। जी सुमित। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हमको आप तस्वीरें दिखाते रहिए।